साथियों, जिनका इतिहास राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ रहा हो और जो आज भी देश के सैनिकों और सेना को कमजोर करने के लिए झूठ फैला रहे हो, जिनका इतिहास सिर्फ एक परिवार के जयगान का रहा हो और जो आज भी वंदे मातरम और भारत माता की जय का विरोध कर रहे हो, रोक लगा रहे हो, जिनका इतिहास हजारों सिख भाई बहनों को बेरहमी से हत्या का हो और जो आज भी दंगों के आरोपियों को मुख्यमंत्री पद का पुरस्कार दे रहे हो, उन लोगों से पंजाब समेत पूरे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। मत भूलिए, करीब 3.5 दशक से आप सभी, पूरा देश न्याय के इंतजार में था। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके अपराधियों को सजा मिले, कांग्रेस के नेताओं को सजा मिले, ये पूरे देश की मांग थी और आज भी ये मांग उतनी ही प्रबल है। एक परिवार के इशारे पर जिन जिन आरोपियों को सज्जन बताकर फाइलें दबा दी गई थी, एनडीए सरकार ने उनको बाहर निकाला, एसआईटी का गठन किया और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परिणाम आपके सामने है।